morning guys, this is Rani Tanya. Today is Sunday और Sunday का vlog थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. देखते हैं क्या बनाना है. तो जैसा कि आप जानते हैं टुडे संडे है और आज कल के न्यूज पे हमारे मुख्यमंत्री ने भी ये घोषणा कर दिया और प्रधानमंत्री ने तो पहले कहा ही था कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है. और दोस्तों ये जान के बहुत ही मायूसजनक है, लेकिन फिर भी जिस तरह का हालात है उस तरह का हालात को देखते हुए भी हम लोग ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन का अभी और 15 दिन एक्सटेंड कर दिया गया. यानी कि 14 अप्रैल 2020 तक जो होना था वो 2020 तक है ही है, लेकिन डेट 14 अप्रैल नहीं बल्कि 30 अप्रैल तक कर दिया गया. पहली बात तो ये, अर्ली मॉर्निंग पे जैसे उठा था सोशल मीडिया पे चेक करने के लिए क्या हालचाल चल रहा है, पर पहला अभी न्यूज आया कि एबीपी के न्यूज के जो न्यूज एंकर है उनको 30 अप्रैल बोलना चाहे था तो वो 40 अप्रैल बोल के रह गए, तो उसके लिए भी कुछ पंगेज वगैरह हो रहे हैं. तो ऐसा नहीं कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, डेफिनेटली तो उनकी गलती नहीं है, हो सकता है स्पीच की वजह से हो जा रहा है. एक वाक्य मुझे याद आ गया अर्ली मॉर्निंग पे, क्योंकि संडे है तो बहुत सारा चीजें लोग सोच के रहते हैं कि संडे को पूरा करना है, लेकिन जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है अभी तो कुछ पूरा होने वाला है नहीं. तो जैसे बैठा हुआ था ब्रेकफास्ट कर रहा था, एक चीज दिमाग में आई कि एक बार एक घटना है, लेकिन रियल घटना है, मैं नाम और कुछ लेके बताऊंगा नहीं क्या है प्रॉपर माजरा और प्रॉपर मैटर, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे स्टोरी के रूप में बताना चाहूंगा क्या स्टोरी था. एक बार क्या हुआ कि एक बॉयफ्रेंड ने अपना गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता था, वो लोग एक दूसरे से ट्रस्टवर्दी था, बहुत लॉयल था दोनों. तो लड़का इतना बेवकूफ था कि लड़की भी पूरा फेथ करता था आंख बंद करके. और डेफिनेटली क्या हुआ कि एक बार उसको ये पसंद नहीं था कि वो उसकी जो बंदी थी वो बंदी किसी और के साथ बातचीत करे या फिर किसी और के साथ घुले मिले, जो भी इंटरेक्शन करें, चिट चैट वगैरह जो होता है उसको पसंद नहीं, लड़का को पसंद नहीं था, बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं था. तो लड़की तो थोड़ा सा ये सब चीज़ छिपाने के लिए वो क्या करती थी कि अपने कॉन्टैक्ट्स पे किसी दूसरे का नंबर, जैसे किसी मेल का नंबर है, मेल फ्रेंड का नंबर है, उस मेल फ्रेंड का नंबर उसको सेव करती थी जैसे फीमेल फ्रेंड के नाम पे. जैसे तो ऐसे ही तो वाकया याद आता था. तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लड़का बैठा हुआ है, बंदा बैठा हुआ है, बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है और लड़की भी है, दोनों एक साथ बातचीत कर रहे हैं, उस समय फ़ोन आ रहा है उस बंदे का, लेकिन बंदे का फोन नहीं है लेकिन वो बंदी का फोन है, नाम हालांकि बंदी का दिया हुआ है. तो डेफिनेटली अब उस पर लग रहा है कि क्या है. तो फोन बज रहा है तो लड़का ने बोला कि देखो तुम्हारा फोन बज रहा है, किसी बंदी ने फोन किया है. तो उस समय क्या कहती थी कि छोड़ दो बात नहीं करना है, लड़की कहती थी, गर्लफ्रेंड कह रही कि छोड़ दो बात नहीं करना है, ऐसे सिर्फ दिमाग चाटती रहती है, सो मैं बाद में बात कर लूंगी. तो लड़का भी ऐसा एज्यूम लेता है कि चलो ठीक है मेरी बंदी ठीक है नहीं है. एक बार क्या हुआ कि सारा ऐसी चीजें जब बहुत देर पार हो गया, कंटिन्यू हो जाता था तो शक नहीं करता था, आंख बंद करके उसको फेथ करता था. एक दिन क्या हुआ कि लड़के ने एक मैसेज देखा इस नंबर पे, तो कन्वर्सेशन जिस तरह का था वो लग नहीं रहा था कि लड़की का बंदी का है. तो लड़के ने क्या किया, एक नॉर्मल सा उसके मोबाइल से टेक्स्ट कर दिया कि सब उसे कोई रिप्लाई वाला, तो रिप्लाई उधर से आता है तो लड़के वाला रिप्लाई आता है. उस समय लड़की पकड़ा जाती है और फिर लड़का सोचता है कि ये क्या हो गया कि जिसको मैं इतना आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहा था ये ऐसा हो गया. तो संक्षेप में ये पूरा स्टोरी मैं किसी और दिन बताऊंगा, थोड़ा सा जस्ट बताया कि क्या है. तो इसको एक दिन मैं पूरा जरूर करूंगा कि क्या मैं बताना चाह रहा था. ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि आप किसी को आंख बंद करके बिलीव ना करें कि आज जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है ये उस तरह का चेंज नहीं है. ठीक है, तो डेफिनेटली सारा चीज मतलब एक क्लियर आउट ही है, नॉर्मल लाइफ सी है, लड़के लड़कियां वट एवर जिस तरह का माहौल है तो यही बात है ना. तो आज देखते हैं फर्दर क्या हमारा प्लानिंग है, संडे है तो संडे का भी थोड़ा सा शुरू वगैरह होता है. इस तरह कोरोना तो अपना काम जारी रख रहा है, हमें भी अपना काम जारी रखना होगा, बट वी डोंट नो कब तक एक्सटेंड होगा और कब तक ये सारा चीज़ पूरा होगा. तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें ताकि मैं आपको और जानकारी देता रहूं. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जो लोग भी देखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, और जो धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को नहीं देखते हैं. सो आइए आगे बढ़ते हैं.